केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने के मामले में बेलगाम जेल से गिरफ्तार कर लाए आतंकवादी संगठन से जुड़े कुख्यात आरोपी अफसर पाशा को आज कोर्ट में तीसरी बार पेश किया गया। आज की सुनवाई में नागपुर पुलिस ने अदालत में अफसर पाशा की 5 दिन की पुलिस हिरासत मांगी, जिस पर अदालत ने मुहर तो लगा दी पर 2 दिन की कटौती के साथ। बताया जा रहा है कि 27 तारीख तक पुलिस अफसर पाशा को हिरासत में लेकर कुल 8 मुद्दों पर इन 3 दिवसीय हिरासत में उससे पूछताछ करने वाली है। 5 दिनों की हिरासत की मांग करने के बाद भी 2 दिनों की कटौती के साथ पाशा की मिली 27 तारीख तक 3 दिवसीय हिरासत में पुलिस अफसर पाशा से कुल 8 मुद्दों पर पूछताछ करने वाली है। जैसे कि पाशा बांग्लादेश जाने से पहले काफी लोगों के संपर्क में था और बांग्लादेश में कुछ जिहाद के संबंध में ट्रेनिंग भी ले रहा था। वहीं लश्कर-ए-तैयबा से भी पाशा के संबंध है, जिसके बारे में भी पुलिस उससे पूछताछ करेगी। इसी के साथ ही अफसर पाशा के बैंक खाते में कर्नाटक के अब्दुल जलील द्वारा ट्रांसफर किए गए 5 लाख रुपयों के संबंध में भी पुलिस छानबीन करेगी कि ये पैसे क्यों भेजे गए। इसी के साथ ही ये बात भी पता चली है कि अफसर पाशा जेल में बहुत से एंड्रॉइड मोबाइल फोन इस्तेमाल किया करता। इस पर भी पुलिस अफसर पाशा से सवाल करेगी। वह इस मामले में अय्यप्पा नायडू नामक एक व्यक्ति का नाम भी इस कड़ी में जुड़ा है, जिसका मोबाइल हमेशा हाशिम अली नामक एक मोबाइल एक्सपर्ट के संबंध में रहता और उसी के जरिए पाशा लगातार बाहरी लोगों के संपर्क में बना रहता। इन सभी 8 मुद्दों को लेकर पुलिस अब पाशा को 3 दिन की हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करेगी। माननीय न्यायाधीश झपाटे साहब, इनके कोर्ट में आज पाशा को पेश किया गया और पेश करने के बावजूद उन्होंने 5 दिन का पीसीआर मांगा है। आज 5 दिन का पीसीआर उन्होंने टोटल 8 मुद्दे रखे हैं, जिसमें कि पाशा ने बांग्लादेश जाने से पहले यहाँ पे बहुत से लोगों से कांटेक्ट किया है और बांग्लादेश में कुछ इस्लामी जिहाद के संबंध में कुछ ट्रेनिंग लिया है और लश्कर ए तैयबा से भी उनके संबंध है। और बाकी पॉइंट है जो कि 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में आए थे, जो कि अब्दुल जलील कोनार्क कर्नाटक इनके अकाउंट से इनके इसमें आए थे। और जब वो जेल में था, जेल में बहुत से एंड्रॉयड मोबाइल यूज किए हैं उन्होंने, क्योंकि वो कर्नाटक बेड़गांव जेल का ऐसा ढांचा था कि हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल थे, ऐसा कुछ आरोपी के बयान में आया है। इसी तरह से एक अय्यप्पा नायडू, इनका मोबाइल हमेशा हाशिम अली करके है, ये एक मोबाइल में एक्सपर्ट थे, उसी के इसमें ये पाशा यूज करता था और फ्रिक्वेंटली यूज टू टॉक विद द पीपल हु आर आउटसाइड द बेड़गांव जेल, तो वो भी एक मुद्दा है उसमें। ऐसे 8 मुद्दे पे उन्होंने आज पीसीआर मांगा है। हमने उस पीसीआर को स्ट्रांगली अपोज करके उसको 27 तारीख तक पीसीआर दिया गया है। जिहाद के संबंध में ट्रेनिंग लेना और लश्कर-ए-तैयबा के साथ अफसर पाशा के संबंध काफी गंभीर मामले हैं, जिनके संबंध में पुलिस पाशा से सवाल करेगी। अब देखना यह होगा कि इन सवालों के जवाब क्या पुलिस को पाशा से मिल पाएंगे और क्या नए चौंकाने वाले खुलासे होंगे आतंकी अफसर पाशा के जवाबों से। जानने के लिए देखते रहिए NBCN न्यूज, जो सच दिखाए बिना छुपाए। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सान सारी की रिपोर्ट।